स्टूडेंट्स 8085 इंस्ट्रक्शंस हम लोग स्टडी कर चुके हैं। इस इंस्ट्रक्शन के फंक्शन में डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, बिकॉज अब इस पार्ट को पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट हम लोग टाइमिंग डायग्राम स्टडी करेंगे। तो इफ यू हैव एनी डाउट इन अ प्रीवियस लेक्चर या जैसे इंस्ट्रक्शंस, हम लोगों ने बहुत सारी इंस्ट्रक्शन स्टडी की है, उनमें से किसी के फंक्शन में कुछ डाउट हो रहा हो तो यू कैन आस्क। एंड जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है, मैंने सरप्राइज पे इसका लिंक एक्टिवेट किया हुआ है, आप लोग आप प्लीज अटेम्प्ट कर लीजिएगा गूगल क्लासरूम पे। एंड टाइमिंग डायग्राम स्टार्ट करते हैं। तो टाइमिंग डायग्राम में क्या होता है कि हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में हम ये शो करते हैं कि किस टाइम पर कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है। अब यहाँ पर हम आपको मशीन साइकिल्स यहाँ पे शो करेंगे कि कितनी मशीन साइकिल्स किसी इंस्ट्रक्शन में लग रही है, पैचिंग कैसे हो रही है, डेटा रीड राइट कब हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस जो जिनका भी इन्वॉल्वमेंट है उनको यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो आपके स्क्रीन पे एक टाइमिंग डायग्राम शो हो रहा है जो कि आपके ऑपकोड फेच ऑपरेशन, बिकॉज whenever any of the instruction is executed, the first cycle belongs to the fetch operation, because in the first clock cycle or in the first machine cycle we have to call that instruction for memory location which is to be executed, and this operation is known as opcode fetch operation. अब इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट कौन कौन सी चीजों की है। रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो है क्योंकि हमें इंस्ट्रक्शन को कॉल करना है, एंड इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन मेमोरी, एंड जब कोई भी डेटा मेमोरी में स्टोर है तो वी नीड द एड्रेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा ऑल्सो। तो हमें एड्रेस की जरूरत पड़ेगी तो एड्रेस बस को यूज करेंगे, डेटा की जरूरत पड़ रही है डेटा को कॉल करना है तो डेटा बस की भी जरूरत पड़ेगी। ऐसे ही वी नीड टू स्पेसिफाई कि हम जो भी डेटा रीड या राइट कर रहे हैं ये रीड राइट ऑपरेशन किस डिवाइस से हो रहा है, बिकॉज वी हैव टू ऑप्शंस, आइदर फ्रॉम आईओ डिवाइस और फ्रॉम मेमोरी डिवाइस। तो वी नीड टू स्पेसिफाई कि हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं ये ऑपरेशन आईओ डिवाइस से परफॉर्म करेंगे या मेमोरी के थ्रू परफॉर्म करेंगे। तो एक सिग्नल हमको ये भी स्पेसिफाई करना है। एक सिग्नल हम लोगों ने पढ़ा था एस नॉट और एस वन, विच इंडिकेट्स कि माइक्रो प्रोसेसर किस स्टेट में, रीडिंग स्टेट में है, राइटिंग स्टेट पे है, फेचिंग स्टेट में या हॉल्ट स्टेट। ये स्टेट्स हमें कैसे पता चलती हैं? बाय पिन नंबर एस नॉट एंड एस वन इन माइक्रोप्रोसेसर। तो क्लॉक तो बेसिक रिक्वायरमेंट है क्योंकि इसी के बेसिस पे हम सारी जो भी फंक्शनिंग है वो डिफाइन करते हैं। आईओ स्लैश एमबार हमने देख लिया कि हमें ये स्पेसिफाई करना है कि हम आईओ डिवाइस से कर रहे हैं या मेमोरी डिवाइस से कर रहे हैं। इसके बाद एस नॉट एस S1 क्या शो करेगा कि माइक्रोप्रोसेसर किस स्टेट में है। लाइक जैसे इन दिस केस ऑपकोड फेच ऑपरेशन वी आर रीडिंग द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इट मींस कि ऑपरेशन क्या हो रहा है, रीडिंग ऑपरेशन हो रहा है, दैट इज व्हाई यहाँ पर रीडिंग वाली जो पिन है वो यूटिलाइज हो रही है। ऐसे ही क्योंकि हमें रीड ऑपरेशन मेमोरी से करना है एंड वी नीड 16-bit एड्रेस, दैट इज व्हाई हम 16-bit के एड्रेस लाइन का यूज करते हैं। एंड एड्रेस लाइन में जो AD0 से AD7 यानी फर्स्ट 8 एड्रेस
लाइंस हैं, ये एड्रेस लाइंस मल्टीप्लेक्स्ड वे में यूज होती हैं, दैट इज व्हाई वी रिक्वायर एन ALE सिग्नल, दैट इज एड्रेस लैच इनेबल सिग्नल, टू इनेबल द एड्रेस इन दिस एड्रेस एंड डेटा बस। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है हमारी, वो जिन जिन चीज की रिक्वायरमेंट है उनकी क्या इम्पोर्टेंस है एंड क्यों रिक्वायर्ड है वो हमने आपको बताया। इसके अलावा और किसी चीज की हमें टाइमिंग डायग्राम में फिलहाल जैसे आउटपुट फेच की बात कर रहे हैं तो रिक्वायरमेंट नहीं है। अब ऑपरेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि अब यहाँ पर ऑपरेशन किस तरह से परफॉर्म हो। आउटपुट फेच के टाइमिंग डायग्राम की बात करते हैं, आपको यहाँ पर थ्योरी भी गिवन है एंड आप थ्योरी पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली हाउ एग्जैक्टली दिस टाइमिंग डायग्राम इज वर्किंग। तो लेट अस टेक दिस एग्जांपल, यहाँ पर टोटल 4 क्लॉक साइकल्स शो की गई है, एक मशीन साइकिल है, बिकॉज आउटपुट फेच ऑपरेशन एक मशीन साइकिल में कंप्लीट होता है। तो सबसे पहला काम तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हमें ये स्पेसिफाई करना है कि हमें मेमोरी से डेटा को पिक करना है या आईओ डिवाइस से पिक करना है। तो फॉर दैट पर्पज हम कौन से पिन का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, IO/M bar का। ये जो पिन है ये पिन यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एम के ऊपर बार लगा हुआ होना चाहिए, बिकॉज जब भी हम ये आईओ और ये स्लैश लगाते हैं उसके बाद लिखते हैं एम बार। ये पिन इस तरह से लिखी जाती है, यहाँ पर मिसप्रिंटिंग है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, एम बार भी यहाँ पर प्रेजेंट होगा। एंड व्हेनेवर दिस पिन, व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ दिस पिन इज 1 और यू कैन से इट इज हाई like it is shown in this, like this. तो जब ये हाई है या ये कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू 1 है, इट मीन्स कि जो ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है वो आईओ डिवाइस से परफॉर्म होना है। सॉरी। और जब इसी पिन की वैल्यू 2 है, मीन्स कि इट इज 0, इट मीन्स कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा दैट ऑपरेशन विल बी परफॉर्म्ड बाय दिस मेमोरी। तब क्योंकि हमें यहाँ पर जो आउटपुट फेच ऑपरेशन है वो मेमोरी के थ्रू परफॉर्म करना है, तो दैट इज व्हाई वी नीड टू मेक दिस लाइन लो। तो हमने इसको फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ही हाई से लो कर दिया, सो दैट की ये क्लियर हो जाए कि जो ऑपरेशन है वो मेमोरी डिवाइस से परफॉर्म होगा। नेक्स्ट फिर S1 S0 पिन है, S1 S0 किस लिए यूज हो रही है, टू रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर। तो S0 S1 दोनों की वैल्यू 1 की गई है, दैट इज वाई एक ही लाइन से इस तरह से शो किया गया है, और 1 का मतलब है कि S0 S1 की वैल्यू है 1 मीन्स कि द माइक्रोप्रोसेसर इज इन फेच स्टेट। अब नेक्स्ट फिर अब हम बात करते हैं एड्रेस की, जो मेन चीज है वो एड्रेस में हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो यहीं पर हम मल्टीप्लेक्सिंग भी समझ लेंगे कि कैसे डेटा और एड्रेसेस की मल्टीप्लेक्सिंग होगी। अब क्योंकि जो एड्रेस है, एड्रेस हमारा क्या है, 16 बिट का एड्रेस होता है, और हमारे पास में जो एड्रेस लाइन है वो भी 16 बिट की है, बट ये एड्रेस लाइन 8-8 बिट्स में डिवाइडेड है। 8 बिट्स हमारी ये हो गई और 8 बिट्स ये हो गई। तो जब दो पार्ट में ये डिवाइडेड है तो हमने एड्रेस को भी, जो भी एड्रेस माइक्रोप्रोसेसर से आएगा, इस एड्रेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जब दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो हम इसकी हायर बिट्स लिखेंगे और लोअर बिट्स। तो लोअर 8 बिट्स हो गई एंड हायर 8 बिट्स हो गई। तो जो हायर 8 बिट्स होती हैं एड्रेस की,
वो A8 से A15 में शिफ्ट की जाती है, और जो लोअर बिट्स होती हैं उनको हम कहाँ पुट करते हैं, AD0 से AD7। बट बिफोर पुटिंग दिस दिस लोअर 8 बिट्स ऑफ द एड्रेस, वी नीड टू मल्टीप्लेक्स दिस AD एड्रेस एंड डेटा बस टू एड्रेस बस। एंड ये कैसे परफॉर्म करता है, एड्रेस लैच इनेबल के थ्रू। मीन्स कि हम एड्रेस लैच के थ्रू एड्रेस बस को इनेबल करते हैं इन दिस लाइन। तो जैसे ही हम फर्स्ट क्लॉक साइकिल में इस एड्रेस लैच इनेबल के थ्रू इनेबलिंग करते हैं, तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ये जो AD0 से AD7 है, जिसको कि हम एड्रेस और डेटा दोनों बसेस की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिग्नल AD0 टू AD7 एक्ट एज एड्रेस बस इन दिस फर्स्ट क्लॉक साइकिल। ये जो T1 यहाँ पे शुरू किया है, एंड आफ्टर दैट हम ALE सिग्नल को लो कर देते हैं, विच मीन्स कि अब एड्रेस वाला पार्ट इनेबल्ड नहीं है, अब डेटा वाला पार्ट इनेबल्ड। और डेटा वाला पार्ट इनेबल है, इसलिए T2 ऑनवर्ड अब इस वाली बस के थ्रू डेटा ट्रेवल करेगा। और एड्रेस को हम पहले क्यों यहाँ पर पुट कर रहे हैं, बिकॉज जब तक हम एड्रेस मेमोरी को नहीं बताएंगे, तब तक मेमोरी विल नॉट पुट डेटा इनटू डेटा बस, बिकॉज वी नीड टू स्पेसिफाई एड्रेस फर्स्ट सो दैट कि मेमोरी विल नो कि विच डेटा इज रिक्वायर्ड बाई माइक्रोप्रोसेसर। दैट इज वाई हम पहला काम क्या करते हैं, ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल T1 वी पुट एड्रेस ऑन एड्रेस बस। तो हायर को हमने A8 टू A15 में पुट किया, एंड लोअर को हमने AD0 टू AD7 में पुट किया बिफोर इनेबलिंग एड्रेस लैच इनेबल, एंड T2 ऑनवर्ड के डेटा यहाँ पर। और डेटा पुट करने के लिए, मेमोरी को हमें ये बताना पड़ेगा कि रीडिंग ऑपरेशन है या राइटिंग ऑपरेशन, बिकॉज मेमोरी को ये नहीं पता है कि विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म। तो दैट इज वाई ये RD बार सिग्नल का यूटिलाइजेशन। तो आप देख रहे हैं ये RD बार पे भी बार लगा हुआ है, इट मीन्स कि दिस पिन इज एक्टिव लो पिन। एक्टिव लो का मतलब क्या होता है कि दिस टास्क विल बी परफॉर्म्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ दिस पिन इज लो, यानी जीरो। तो जब भी किसी भी पिन पे बार लगाओ, इट मीन्स कि इट इज वर्किंग व्हाइल इट्स वैल्यू इज जीरो। तो जब हमने इसकी वैल्यू को 1 रखा ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक साइकिल, बिकॉज फर्स्ट क्लॉक साइकिल में रीडिंग ऑपरेशन नहीं हो सकता, बिकॉज फर्स्ट क्लॉक साइकिल इज टू पुट एड्रेस। तो फर्स्ट क्लॉक साइकिल में तो एड्रेस पुट किया गया है, इट मीन्स कि उस टाइम पर डेटा को हम पिक नहीं कर सकते हैं। एड्रेस पुट करने के बाद जैसे ही मेमोरी को डेटा एड्रेस मिल गया, इट विल पिक डेटा फ्रॉम दैट एड्रेस एंड देन इट विल पुट ऑन डेटा बस। बट एट दैट टाइम ये जो RD सिग्नल है ये एक्टिव होना चाहिए। तो दैट इज वाई जैसे ही सेकेंड क्लॉक साइकिल स्टार्ट हुई, RD बार को लो कर दिया गया, सो दैट की मेमोरी को ये पता चल जाए कि रीड ऑपरेशन परफॉर्म होना है। और ड्यूरिंग दिस क्लॉक साइकिल या ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, जब तक रीड RD बार इज लो, तब ये D0 से D7 जो भी ऑप कोड है उसको डेटा लाइन पर पुट करेगी मेमोरी, एंड इट विल बी ट्रांसफर टू द माइक्रोप्रोसेसर। कुछ डाउट हो रहा हो बताइएगा, किसी सिग्नल का फंक्शन समझने में। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ रवि बताइए। सर एक चीज सर वही रिपीट चाह रहे थे सर, जब ALE सर हाई होगा तो सर AD0 से AD7 से हमारा एड्रेस बस जैसे ऐड करेगा, और जब ALE जब लो होगा सर देन फिर वो डेटा बस जैसे ऐड करेगा, राइट? करेक्ट हो गया सर। सर RD बार का सर फिर क्या इसमें रोल था सर, जब वो RD बार का? यस सर, RD बार का रोल ये है कि मेमोरी जैसे है, मेमोरी का जब हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट में एक डायग्राम स्टडी किया था, तो मेमोरी को एक सिग्नल हमें ट्रांसमिट करना होता है
ये जैसे मेमोरी है, ठीक, मेमोरी को हमने क्या किया, एक एड्रेस प्रोवाइड किया। एड्रेस प्रोवाइड करने के बाद में हमें इसको एक कंट्रोल सिग्नल भी देना होता है जिसके थ्रू इसे ये पता चले कि हम रीड सिग्नल कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं। एड्रेस आपने बता दिया, मेमोरी पार्ट्स में डिवाइडेड है, मान लीजिए इस एड्रेस की बात कर रहे हैं, अब इस एड्रेस लोकेशन को मेमोरी ने लोकेट कर लिया, बट इस एड्रेस लोकेशन पे डेटा को उसे राइट करना है या इस लोकेशन से डेटा को रीड करना है, ये मेमोरी को बताना पड़ेगा। अब जैसे ही हमने ये रीड वाला ऑपरेशन इसको बताया, सिग्नल भेज दिया कंट्रोल सिग्नल, तो इसको पता चल गया कि हमें इस मेमोरी लोकेशन के डेटा को निकाल करके एड्रेस बस में, सॉरी डेटा बस में पुट कर देना है और उसके थ्रू ट्रेवल करके डेटा माइक्रोप्रोसेसर के पास। अब क्योंकि इस सिग्नल पे बार लगा हुआ है तो इट मींस कि जब इसकी वैल्यू जीरो होगी देन ओनली रीड ऑपरेशन विल बी परफॉर्म। तो दैट इज व्हाई देखिए, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में जिस टाइम पर एड्रेस पुट किया गया था उस टाइम पर इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज उस समय एड्रेस को यहाँ पर भेजा जा रहा था। तो उस समय अगर हम इसको रीड के बारे में बताएंगे तो इसको नहीं समझ में आएगा कि ये रीड सिग्नल आया, बिकॉज उसे पहले एड्रेस मिलना चाहिए मेमोरी को। तो जैसे ही पहले एड्रेस उसको मिल गया, वैसे ही हम सेकंड क्लॉक साइकिल से रीड सिग्नल को एक्टिव कर देते हैं बाय पुटिंग इट लो। और जैसे ही हमने ये सिग्नल एक्टिव किया, इसको पता चल गया कि ये जो एड्रेस हमको मिला है, हमें इस एड्रेस के डेटा को भेजना है माइक्रोप्रोसेसर को। तो दैट इज व्हाई सेकंड क्लॉक साइकिल में इसने ये देख के डेटा को पुट कर दिया इसी एड्रेस पर, और एली को हमें लो करना पड़ेगा सो दैट कि ये एज अ डेटा बस वर्क करे। रवि क्लियर है? यस सर, यस सर। ऐसा एक चीज और सर, यहाँ पे जो एड्रेस हम सर स्टार्टिंग फर्स्ट लॉक साइकिल में भेज रहे हैं, तो ये एड्रेस आ कहाँ से रहा है सर, इसको मेमोरी को? ये माइक्रोप्रोसेसर सेंड करता है। ओके सर, ओके सर, ठीक है। क्योंकि हमारे पास में क्या है कि हम जैसे कि ये ऑपपुट फेच ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब माइक्रोप्रोसेसर में हम कोई भी प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो प्रोग्राम रन करने में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमको कॉल करनी है, तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हम लोग कैसे कॉल करते हैं, बाय प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर में एक 16 बिट का एड्रेस स्टोर्ड रहता है, जो एड्रेस नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी एग्जीक्यूट होनी है उसके एड्रेस को स्टोर करके रखता है। तो माइक्रोप्रोसेसर क्या करता है, इसी एड्रेस को सेंड करता है मेमोरी को, सो दैट कि वहां से ऑपकोड को फेच किया जाए। तो ये एड्रेस कहाँ से मिला है, प्रोग्राम काउंटर से, और माइक्रोप्रोसेसर इस एड्रेस को कहाँ सेंड करेगा, मेमोरी के पास से, ठीक है? ओके सर, नेक्स्ट। फिर देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है, टाइमिंग डायग्राम फॉर MVI R कॉमा डेटा का। तो अब जैसे हम इस पर्टिकुलर फिगर की बात कर रहे हैं, तो इस फिगर में आपको दो क्लॉक साइकिल, सॉरी दो मशीन साइकिल दिख रही, एक M1 और एक M2। दो मशीन साइकिल्स क्यों है यहाँ पे, बिकॉज MVI R कॉमा डेटा है, तो इस इंस्ट्रक्शन में सबसे पहला काम क्या होगा, ऑपकोड को फेच किया जाएगा सबसे पहले, MVI को मेमोरी से फेच किया जाएगा, उसके बाद में फिर रीड साइकिल आएगी और रीड किया जाएगा डेटा को। ऑपकोड फेच साइकिल में क्या है, 16 बिट का एड्रेस पुट किया जाएगा, मतलब जो प्रीवियस हम लोगों ने स्टडी किया है, कंप्लीट सेम टास्क ये फर्स्ट मशीन साइकिल में। और सेकंड मशीन साइकिल में क्या करना है हमें, कि डेटा को पिक करना है, कि जो इस डेटा पे है ना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो ऑपकोड फेच और रीड साइकिल, ये दो साइकिल्स यहाँ परफॉर्म होंगी। तो ऑपकोड फेच तो बिल्कुल जस्ट लाइक कि हमने जो प्रीवियस वाला केस स्टडी किया है उसकी तरह है। आप देख रहे हैं हमने इस सिग्नल को लो किया, क्योंकि ऑपकोड फेचिंग ऑलवेज मेमोरी से परफॉर्म होगा। S0 S1 को 1-1 कर दिया टू इंडिकेट कि माइक्रोप्रोसेसर इज इन फेच स्टेट। हायर बिट यहाँ पुट की, लोअर बिट यहाँ पुट की। यहाँ देखिए लोअर बिट अगेन आपको फर्स्ट क्लॉक साइकिल में दिख रही है, एंड सेकंड क्लॉक साइकिल ऑनवर्ड
ऑपकोड के फैचिंग का काम हो रहा है। एड्रेस लैच इनेबल को फर्स्ट क्लॉक साइकिल में ही एक्टिवेट किया गया है, उसके बाद इसको डीएक्टिवेट कर दिया गया। आरडी बार को फर्स्ट क्लॉक साइकिल कंप्लीट होने के बाद एक्टिव किया गया है बाय पुटिंग इट लो। तो इस तरह से पहला टास्क तो सेम वही है जो हम लोगों ने अभी स्टडी किया है, सेम वही चीज परफॉर्म हो रही है बिकॉज इट इज ऑपकोड फेच साइकिल। तो ऑपकोड फेच साइकिल की हम जब भी बात करेंगे हमें यही टाइमिंग डायग्राम बनाना है जो फर्स्ट फोर क्लॉक साइकिल का है, सेम यही रहेगा सभी जितनी भी कोई भी ऑपकोड फेच साइकिल है उसके लिए यही टाइमिंग डायग्राम रहेगा। अब इसके बाद हम जैसे कि बात कर रहे हैं कि हमें फिर क्या करना है, डेटा को रीड करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि S0 S1 स्टेटस को चेंज करना पड़ेगा। स्टेटस को हम कैसे चेंज करेंगे, इसकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। ऑपरेशन क्या हो रहा है, रीड ऑपरेशन हो रहा है, तो रीड ऑपरेशन के लिए S0 की वैल्यू 1 की गई है, S0 की वैल्यू 0 की गई है, एंड 10 मींस कि ऑपरेशन रीड का परफॉर्म हो रहा है। यही वैल्यूज चेंज हो जाए, 0 एंड 1 हो जाए S0, S1 और S0 की वैल्यू, तो इट विल इंडिकेट कि राइटिंग ऑपरेशन हो रहा है। अगेन यहाँ पर एड्रेस पुट किया गया हायर लोअर, नेक्स्ट साइकिल सेकंड साइकिल पे डेटा पुट किया गया, फर्स्ट क्लॉक साइकिल में एड्रेस लैच इनेबल को एक्टिवेट किया गया सो दैट कि फर्स्ट क्लॉक साइकिल में हम AD0 टू AD7 को एज एड्रेस बस यूज कर सके, और रीड बार को भी हमें यहाँ पर एक्टिवेट करना पड़ेगा सेकंड क्लॉक साइकिल के से, बिकॉज हमें यहाँ पर क्या करना है, रीडिंग ऑपरेशन करना है, हमें किसी डेटा को एक जगह से रीड करके दूसरी जगह ट्रांसफर करना। इसके बाद देखिए दो ऑपरेशंस और है, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट ऑपरेशन। आपको एक डायग्राम दिख रहा है मेमोरी रीड का, एक डायग्राम दिख रहा है मेमोरी राइट का, क्योंकि जितने भी हम ऑपरेशंस की यहाँ पर बात करेंगे, एक तो जैसे हमारा ऑपकोड फेच का हो गया ऑपरेशन। अब ऑपकोड फेच के बाद में हमारे जैसे डेटा की अगर रिक्वायरमेंट है तो डेटा हमें दो ही सोर्सेस से मिल सकता है, एक आईओ डिवाइस हो गई और दूसरा मेमोरी। और हमारे पास जो साइकिल्स होंगी वो क्या होंगी, आईओ रीड होगी और आईओ राइट होगी, इसी तरह से मेमोरी रीड होगी और मेमोरी राइट होगी, क्योंकि हम मेमोरी से भी रीड कर रहे हैं, मेमोरी में डेटा को राइट भी कर सकते हैं, आईओ से डेटा को रीड भी कर सकते हैं, आईओ में डेटा को सेंड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से टोटल चार ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। अब इसको भी समझने की कोशिश करिएगा, मेमोरी वाले को इसको आईओ स्लैश एम बार को देखिए यहाँ पर लो किया गया है, यानी जीरो इसको किया गया है, क्यों, क्योंकि ऑपरेशन जो परफॉर्म होना है वो मेमोरी से ऑपरेशन परफॉर्म होना है। जब भी हमें मेमोरी से करना है तो आप लोगों को सबसे पहला काम यही करना है कि ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होना है माइक्रोप्रोसेसर में वो ऑपरेशन आईओ डिवाइस से परफॉर्म होना है या मेमोरी से परफॉर्म होना है, तो अकॉर्डिंगली आप इसमें एक्टिवेशन करेंगे। इसकी वैल्यू जब हाई होगी तो आईओ की तरफ वर्क करेगा, आईओ डिवाइस से डेटा रीड राइट करेगा, अदरवाइज मेमोरी से रीड राइट। ऐसे ही एस नॉट एस वन की भी जो वैल्यूज जो है वो भी करेस्पॉन्डिंग हम वैल्यूज रखेंगे। रीड ऑपरेशन है तो रीड ऑपरेशन के अकॉर्डिंग वैल्यूज रहेंगी, राइट ऑपरेशन है तो राइट ऑपरेशन। यहाँ पर जैसे कि देख रहे हैं आप लोग S0 की वैल्यू को क्या किया गया है, लो किया गया है, जीरो, S1 की वैल्यू को 10 है, रीड ऑपरेशन हो रहा है बिल्कुल प्रीवियस केस की तरह, यहाँ पर वैल्यू को रिवर्स कर दिया गया है, इट मीन्स कि यहाँ पे राइटिंग ऑपरेशन। इन्हीं सब चीजों को हमें ध्यान में रखना है और उन्हीं के थ्रू हम इस टाइमिंग डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। हायर बिट्स जो है एड्रेस की A8 टू A15 में ऑलवेज पुट की जाती है, फिक्स है ये प्रोसेस। लोअर बिट्स को फर्स्ट क्लॉक साइकिल में AD0 टू AD7 में पुट कर, और इसमें फर्स्ट क्लॉक साइकिल में लोअर एड्रेस बिट्स को पुट करने के लिए हमें एड्रेस लैच इनेबल को फर्स्ट क्लॉक साइकिल में इनेबल करना होता है।
आफ्टर दैट सेकेंड क्लॉक साइकिल में इसमें डेटा आएगा तो हम इसको डिसेबल करेंगे एंड आरडी बार को एक्टिव कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए, ये मेमोरी रीड ऑपरेशन, मेमोरी राइट ऑपरेशन में यही चीजें, कुछ सिग्नल्स चेंज हो जाएंगे। देखिए ये सिग्नल आपका सेम वैसे रहेगा, एस नॉट एस वन की वैल्यू चेंज हो जाएगी, ये सेम एज इट इज वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, ये एली भी वैसे ही रहेगा, बस क्योंकि यहाँ राइट ऑपरेशन हो रहा है तो यहाँ पर राइट सिग्नल आ जाएगा और जैसा रीड बन रहा है सेम वैसा ही राइट बनेगा, बिकॉज राइट सिग्नल इज ऑल्सो एन एक्टिव लो सिग्नल, बिकॉज हम जो राइट सिग्नल लिखते हैं डब्ल्यू आर इसमें भी बार लगाते हैं, तो दिस सिग्नल इज ऑल्सो एन एक्टिव सिग्नल। व्हेन द वैल्यू ऑफ डब्ल्यू आर बार इज जीरो देन ओनली इट इज एक्टिव, अगर इसकी वैल्यू वन हो गई देन इट दिस सिग्नल इज नॉट एक्टिव, राइट ऑपरेशन विल नॉट बी परफॉर्म एज शोन इन दिस फिगर। जो राइट की वैल्यू है वो इस ड्यूरेशन में वन वन, तो इन दिस ड्यूरेशन राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा। राइटिंग ऑपरेशन किस ड्यूरेशन परफॉर्म होगा, इस ड्यूरेशन में परफॉर्म होगा। नेक्स्ट विल बिल्कुल सिमिलर होगा आईओ रीड और आईओ राइट के केस में। अब अगर हम आईओ रीड और आईओ राइट सिग्नल की बात करेंगे, जैसे आईओ रीड है तो आईओ रीड में क्या होगा, ये जो ऑपरेशन हमने मेमोरी रीड में बताया है सेम बिट को पूरा टाइमिंग डायग्राम एज इट इज बनेगा। डिफरेंस कहाँ पर आएगा, डिफरेंस आएगा इस सिग्नल में। ये सिग्नल हमारा क्या होगा, जो लाइन्स यहाँ पर बनी हुई है इसका जस्ट रिवर्स बन जाएगा, मतलब कि इस सिग्नल को हमें इस तरह से बनाना, हमें इसकी वैल्यू को हाई करना होगा एंड हाई वैल्यू इंडिकेट्स कि जो ऑपरेशन परफॉर्म होना है वो आईओ डिवाइस में। रेस्ट जितनी भी चीजें हैं वो बिल्कुल सेम एज इट इज। इसी तरह से जब हम आईओ राइट की बात करेंगे तो भी यही आईओ स्लैश एम बार को हम चेंज करेंगे, rest all operation will be same as memory write operation. बताइए कोई डाउट हो रहा हो तो। ठीक है तो फिर अटेंडेंस ले लेते हैं, आप लोग अटेंडेंस दे दीजिए। रोल नंबर 59 सॉरी 58। हाँ प्रेजेंट सर। बताइए कुछ कह रहे हैं। आई थिंक मैंने सोचा कि आप चैट बॉक्स में बोल रहे हैं। नहीं नहीं चैट बॉक्स में दे दीजिए। नहीं चैट बॉक्स में मत दीजिए, एक्चुअली हम मोबाइल से क्लास ले रहे हैं, पता नहीं चैट बॉक्स सेव होगा कि नहीं। हम कॉल कर ले रहे हैं रोल नंबर। रोल नंबर 58 प्रेजेंट सर। 59 प्रेजेंट सर। 60 61 प्रेजेंट सर। 61 2
63 प्रेजेंट सर 62 ठीक 63 64 प्रेजेंट सर 65 यस सर 66 प्रेजेंट सर 67 यस सर 68 यस सर 69 Yes, sir. 70. Yes, sir. 71. Yes, sir. 72. Present, sir. 73. 74. Present, sir. 75. 76. Present, sir. 77. 78 Yes, sir. 79 Present, sir. 80 Present, sir. 81 Present, sir. 82 Yes, sir. 83 I'm present, sir. 84 Present, sir. 85 Yes, sir. 86 87 Yes, sir. 88 Present, sir. 89 Yes, sir. 90 91 Present, sir. 92 Yes, sir. 93 So 92 present. Hello. ठीक है. 93 नहीं है. 94 Present sir. 95 Present sir. 96 Present sir. 97